आपकी योग्यता को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे देसी भाषा में है खिसियानी बिल्ली खम्भे नीचे। ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है, ना मैं नकली, ना मेरे माँ बाप नकली, ना मेरी सनद नकली, तो ये मेंटल आदमी है, मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ना मैं नकली और ना मेरे माँ बाप नकली और ना ही मेरे कागज नकली हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक नरेश शर्मा को मौजूदा बादली विधायक कुलदीप वत्स ने जमकर ललताड़ा और आड़े हाथों लिया। दरअसल विधायक कुलदीप वत्स पर बादली से ही पूर्व कांग्रेस विधायक रहे नरेश शर्मा ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। वहीं आज विधायक कुलदीप वत्स ने कहावत से नरेश शर्मा पर तंज कस दिया। देखिए, एक है ना, हमारे देसी भाषा में है खिसियानी बिल्ली खम्भे नीचे। ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है और मैं बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ, ना मैं नकली, ना मेरे माँ बाप नकली, ना मेरी सनद नकली, और जो मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। ऐसा है, इसके जब से ये जो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ है। कुलदीप ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है और मैं बार बार बता चुका हूँ कि ना मैं नकली और ना मेरे माँ बाप नकली और ना ही मेरे कागज नकली हैं, और मैं जो भी कहता हूँ सत्य कहता हूँ, और जब से मैं विधायक बना हूँ तब से कुछ लोगों के पेट में दर्द है, और मैंने 2014 में भी कहा था कि ये क्लेरिकल मिस्टेक है और वहाँ पर 10वीं लिखना था, वहाँ पर गलती से 12वीं क्लास लिख गया, और वो लोग बताएं मैंने कौन IAS की नौकरी या कोई गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी ले ली या की जनता को गुमराह किया। देखिए, एक है ना, हमारे देसी भाषा में है खिसियानी बिल्ली खम्भे नीचे। ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है और मैं बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ, ना मैं नकली, ना मेरे माँ बाप नकली, ना मेरी सनद नकली, और जो मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। ऐसा है, इसके जब से ये जो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ है, और मैंने क्लियर पहले भी कहा 2014 में क्लरिकल मिस्टेक, जो जिस सन में 2010 लिखनी थी 1992 प्लस टू गलती से लिखी गई, तो मैंने कोई IAS की नौकरी ले ली, IPS की ले ली, कोई गस्सीड ऑफिस ले लिया, क्यों बादली को कोई गुमराह करके किया है, तो ये मेंटल आदमी है और मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, और ना मेरे किसी उसमें। पर मैं जरूर कहता हूँ बादली की जनता और हरियाणा की जनता को कि मैं जीवन में, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया, ना मैंने कभी पहले गलत काम किया, ना मैं आगे गलत काम करूँगा, और मुझे नरेश शर्मा को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जितनी है वो जो कोर्ट में गया 10,000 रुपये में, दुनिया जाती कणपट वकील उसने साथ बैठा रखा था, उसे ये पूछिए, वो कह रहा 2014 से और आज तक जो बेनिफिट लिए हैं उसका 18% बना दें, मैं 2014 में MLA बना था, तो इनको कुछ सह नहीं, इसमें 0/0। सिर्फ ये आदमी, इनके दिमाग में जो ललक है ना कि ये जो बादली के जनता ने जो रिजेक्ट किया, जिसकी जमानत जब्त करी, क्योंकि जिसके कर्म इनके ऐसे थे, जो बादली के अंदर जो इन्होंने गुल खिलाए सब ने पता है, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और मैं रही बात ये, अगर कोई बात है तो सबूत करे ना, वो ये कह रहा डिग्री किसे कहते हैं, उसे पूछो पहले, डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री जो कोई 10वीं पास करे उसकी मार्कशीट होती है, प्लस टू पास करे उसकी मार्कशीट होती है, मैं डिग्री इसको, ये डिग्री और मार्कशीट का नहीं पता, तो कारण क्या है, ये बौखलाए हुए हैं। और इसमें BJP के और जितने मेरे विरोधी हैं, ये सारे मिलकर छवि को खराब करना चाहते हैं। एक चीज़ कहता हूँ, सत्य को आज ये कह रहे कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए, करा दो ना, तुम्हारे में ताकत है तो कराओ, 18% कराओ ना, तुम्हारे में ताकत है तो कराओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कराओ ना। तो ये इन चीज़ों से ये बादली की जनता जानती है, इन्हें तीन चीज़ है, भूपेंद्र हुड्डा को गाली देना, दीपेंद्र हुड्डा को गाली देना, कुलदीप वत्स को गाली देना, इसके अलावा इसमें कुछ आता है, इसके ये पूछिए, और जिस दिन मेरा मुँह खुलेगा उतनी बादली में टिक नहीं पाएगा। कुलदीप ने कहा कि BJP और अन्य पार्टियों के लोग सभी बौखलाए हुए हैं और उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, और ये लोग उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। कुलदीप ने कहा कि अगर इन लोगों में ताकत है तो उनकी सदस्यता रद्द करके दिखाएं। वैसे पूर्व विधायक एवं इनेलो नेता नरेश शर्मा ने कुलदीप वत्स पर चुनाव आयोग को फर्जी डिग्री की जानकारी देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने सबूत के साथ बताया था कि विधायक कुलदीप वत्स की डिग्री फर्जी है, मगर अब कुलदीप वत्स ने नरेश शर्मा को चैलेंज दे दिया है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।